नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। ई टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है, आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई, आरोपी राजू मांटेना के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा है। राजू के सहयोगी आदित्य पार्टी के यहाँ भी छापा मारा गया है। भोपाल सहित देश के 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में टैक्स चोरी के प्रमाण पाए गए हैं। ई टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है, आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, आरोपी राजू मांटेना के यहां छापा मारा गया है। राजू मांटेना के यहाँ आयकर विभाग ने छापा मारा है। ई टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है। चलिए और अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता से। वैभव जी, राजू मांटेना के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है आयकर विभाग के द्वारा, ई टेंडर घोटाले मामले को लेकर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, तो ई टेंडर घोटाले मामले में आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। ई टेंडर घोटाले के जो आरोपी है राजू मांटेना के जितने भी प्रतिष्ठान है उनके कल देर रात से ही छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई। तो फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, गहन छानबीन कर रहे हैं दस्तावेजों की। राजू के जो सहयोगी हैं आदित्य पार्टी के यहाँ भी छापा मारा गया। भोपाल सहित अन्य शहरों में 14 ठिकाने की जानकारी सामने आई थी जहाँ पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है। ईडी की जाँच में आयकर चोरी के प्रमाण मिले हैं। जब आयकर चोरी के प्रमाण मिले उस पर आयकर विभाग ने इस कार्रवाई की शुरुआत की है। कल देर शाम से कार्रवाई चल रही है इस वक्त भी, क्योंकि जो ई टेंडर घोटाले के तहत जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जो दस्तावेज होते हैं उसमें करोड़ रुपए की चोरी की जानकारी सामने आई थी। लगातार ईडी ने इसमें बातचीत भी की थी, उसके बाद आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी कल देर शाम से जो कार्रवाई शुरू इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है। राजधानी भोपाल के रेरा कॉलोनी में इस वक्त जहां पर राजू मांटेना का घर है वहां पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद है आयकर विभाग के। चूंकि अब तक कोई जांच समाप्त नहीं हुई है इसलिए कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, कितनी टैक्स चोरी की बात सामने आई, लेकिन इस वक्त कार्रवाई चल रही है और एक बड़ी छापेमार कार्रवाई है। जी बिल्कुल बाबा जी, आगे आयकर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अर्थ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कल देर शाम से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है और फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। जब तक कार्रवाई समाप्त नहीं होती उसके पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई समाप्त होती है उसके बाद खुद आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि उनके पास क्या क्या दस्तावेज उनको मिले हैं, कितनी आयकर चोरी की उनको अंदेशा है कि राजू मांटेना के द्वारा आयकर का जो नुकसान होता है, आयकर जो चोरी की गई है। तो ये जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तो फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी को, जैसे ही कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद ये संबंध में जानकारी सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल वैभव जी, बने रहिए, आपके पास तो लौटेंगे। ई टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है, आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है, आरोपी राजू मांटेना के यहाँ छापा मारा गया है। आपको बता दें कि भोपाल सहित देश के 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। राजू के सहयोगी आदित्य पार्टी की यहां भी छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में टैक्स चोरी के प्रमाण पाए गए हैं, जिसके बाद आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है।